नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गजब समाचार में। और आज मैं आया हूँ नोएडा के सेक्टर 18 में, जहाँ खुले आम सेक्स रैकेट चलता है। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आखिर ये कौन सी जगह है जहाँ नोएडा में खुलेआम सेक्स रैकेट चल रहा है। आप मेरे लेफ्ट में देख सकते हैं, ये गार्डन गलेरिया मॉल है, जो नोएडा का फेमस मॉल माना जाता रहा है और फेमस है भी। और आप राइट में देखेंगे तो ये DLF मॉल है, और इस राइट के नाले उस पार देखेंगे तो आप यहाँ फिल्म सिटी भी है। लेकिन इससे खास बात ये, आज मैं आपको ये दिखाने आया हूँ कि यहाँ देखिए ये नाला है, और इस नाले के किनारे किनारे अगर आप जाएंगे, जैसे ये रोड है इस पर आप जाएंगे, या उस साइड वाले रोड पर अगर आप जाते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ सेक्स रैकेट खुले आम चल रहा है, जिसमें ना तो कोई पुलिस प्रशासन कुछ कर रहा है और ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है। जी, हम आपको कुछ वीडियोस दिखाएंगे जिनमें हम खुद उन महिलाओं से बात करते हुए आपको नजर आने वाले हैं, और कुछ विजुअल भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ खुले आम ये गैर कानूनी सेक्स रैकेट चलते हुए नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आज हमने और हमारे रिपोर्टर ने अपनी जान को जोखिम में डालकर ये खबर आपको दिखाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो ज़रूरी करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पुलिस प्रशासन को पता चल सके कि किस तरह से यहाँ ये सेक्स रैकेट चल रहा है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि हमारे ही समाज में इस तरह की गंद फैली हुई है जिसे मिटाना अब मानो ज़रूरी हो गया है। हाँ, कितने में? 200। और नहीं है कोई? नहीं, अभी कहाँ गए? पता नहीं, अभी आई नहीं। लड़कियाँ वड़कियाँ नहीं है? कम एज की लड़कियाँ नहीं है कोई? कम एज की लड़कियाँ नहीं है कोई? लड़कियाँ कहाँ मिलती हैं सर? आपके जानकार में कोई हो तो बताओ। आप 200 में दो, 100 में दोगे? अरे ना, वीडियो नहीं बना, देख लोग है क्या होगा? वीडियो क्या है सर, ये वीडियो बनाएंगे तुम्हारा? हाँ, इसका वो बाप खड़ा है ना, इसलिए भाग रहा है। इसी से कितने में दोगे? कितने में दोगे? क्यों अच्छा देती, कितने में हो? 300 में देती हूँ। अच्छा, कभी रात को कमरे पे चलना हो चलोगी? क्या लोगी? सर तो बात कर ले अभी यहीं पे। पूछूं? तू इतने सुना के लड़की के गया, जब तुम मुंह आगे देख रहे हो तुमने। हां तो मैं हाउस वाले से लड़ूंगा ना? मैं उससे क्यों लड़ूंगा? तो तुम कुछ देती होगी ना उसे? तो देती हूं ये, कुछ पैसा लेता हो क्या? अगर ये अभी नाला से नहीं भागा ना बेटा, उसको ऐसे सब सिखाएंगे। हम तो अकेले है ना, इसलिए चोरी हो रहा है। अच्छा, जाती हो कभी कमरे पे भी तुम जाती हो? बताओ तो, कमरे जाती हो? हम लोग 3 लोग हैं, कभी चल? अभी ना सर, अभी तो अब तुम लड़ रही हो तो खुद ही परेशान हो। तो अभी अभी तो जाने का कितना लगे, फिर अभी जाओगे तो? अभी जाओगे कितना लगे जाने का? हाँ, मुझे कॉल करनी है। अरे ना, नहीं कॉल तो बनता ना भाई। नहीं, वो लड़की के कब से देने हैं क्या दिया? तुम्हारे पास फोन नहीं है? इतना पैसा कमाते हो, देख ले लो फोन। फोन है बाबा, छूट गया ठीक है, वो फोन के नहीं रहते। वही तो, फोन से तो पूरा काम तो फोन होता है। कमरे में जाने कितने लोग बताओ तो? यहाँ थोड़ी ना बे, पागल है यहाँ। बेटा तू भी बैठ जा यहीं पे। क्यों? मेरे को बैठ जाते हैं यही, तू बैठ जा, जब आएगी मेरे साथ वाली पूछ ली हो कितना लोगी। तुम्हें नहीं पता कि आपके लीडर होंगे ना, वो भेजते होंगे। अच्छा, भेजती कि नहीं कमरे पे ये बताओ? कितने में? 2 रुपये। हैं? तुम
होते हैं ना हाथ में, नहीं तो लड़की एक होता है, तो लड़की एक होता है वो तो भाव खा रही है वो तो, ऐसे ही भाव खाएगी क्यों, अभी अकेली आई इसलिए। 300 रुपये? हाँ तो 100 रुपये में क्या जा रहा है, सही तो लग रही है। 300 रुपये लेती है लोग, तुम 200 लेती हो। कहाँ से आती हो तुम, वहाँ से आती हो, तुम वहाँ से आ रही हो, वो तो ऐसे कमरे पे चलती हो कभी, यहाँ से कमरे पे कोई नहीं, पूरी रात के लिए हो तो कहीं चलो, पूरी रात अपने घर से कोई फुर्सत है, पूरी रात घर का घर के नीचे है। अब आप सोचिए इस नाले के नीचे ये बिस्तर कौन लगाएगा, सोचने वाली बात है। यहाँ होता है सेक्स, देखिए कंडोम पड़े हुए हैं। तो ये नाले के किनारे आखिर ये बिस्तर क्या कर रहा है, आपको मैं ये नाला दिखाता हूँ। ये नाला है, ये जंगल, इधर कोई नहीं आता है और यहीं यहाँ सेक्स करवाती है यहाँ लेडी। ये देखिए कंडोम पड़ा हुआ है, बहुत सारे कंडोम के पैकेट आपको इधर दिखेंगे। ये देखिए इधर भी है बहुत सारा कंडोम, और ये बिस्तर है, इस पर सेक्स करवाती है। ये देखिए इधर पुलिस भी नहीं आती है। ये दोस्तों ये कंडोम देखिए यहाँ फेंका हुआ है, यहाँ सेक्स करवाती है लड़कियाँ, और यही बिस्तर है, इसी पे लेट के करवाती है। देखिए आपको और भी जगह मैं दिखाऊंगा।